नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्य देवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गन्ने की फसल के अंदर दलाल घोट के बारे में। गन्ने की फसल के अंदर एक दलाल घोट की जानकारी मैं आपको लगभग 2 से 3 दिन पहले दे चुका हूँ। आज ये हमारी दलाल घोट के लिए दूसरी वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर जो फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें 3 खाद आपको लेने हैं और उन तीनों खादों को अलग अलग बर्तन के अंदर आपको उनका घोल तैयार करना है और उसके बाद उसका उपयोग आप अपने गन्ने की फसल के ऊपर यदि करते हैं तो बहुत ही अच्छे और शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम बजट वाला, मतलब आप ऐसा मान सकते हैं कि मुश्किल से मुश्किल जो आपका खर्चा आएगा वो 200 से लेकर 300 रुपये का खर्चा आपका आने वाला है। आप मान लीजिए कि 300 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा यदि आप कर लेते हैं तो आपकी जो गन्ने की फसल होगी, चाहे वो पौधा गन्ना हो या फिर वो आपका पेड़ी गन्ना हो, उसकी मोटाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, उसकी लंबाई भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और गन्ना आपका बिल्कुल हरा भरा काला आपको देखने को मिलेगा। जो लास्ट में चल करके हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि हमारे गन्ने का जो अगोला होता है वो पीला पड़ जाता है, वो सूखने लगता है, उस तरह की दिक्कतें भी आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो बहुत कम खर्च में बहुत ही शानदार जानकारी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। किसान भाइयों, दलाल घोट क्या होता है? दलाल घोट किसान भाइयों एक ऐसा फार्मूला है, एक ऐसा यूनिक तरीका है कि बहुत कम कीमत में बहुत कम खर्च करके आप अपनी फसल को शानदार तरीके से ग्रोथ दे सकते हैं, उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि यदि हम नॉर्मली खाद अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो हमें खादों की मात्रा, जैसे मान लीजिए DAP खाद हो या फिर NPK खाद हो या फिर यूरिया खाद हो, इन्हें यदि हमें अपनी फसल के अंदर डालना है तो कम से कम 50 किलोग्राम की मात्रा तो खेत के अंदर डालनी ही पड़ती है। जबकि जो हमारा दलाल घोट होता है, इसके अंदर आप 2 से 3-3 किलोग्राम की मात्रा इन खादों की लेकर के यदि मिक्स करके इनका स्प्रे करते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट इससे आपको मिल जाते हैं और खर्चा भी ज़्यादा नहीं होता। तो आज का जो हमारा दलाल घोट होने वाला है, इसका उपयोग आप अपने गन्ने की फसल के अंदर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान दें कि आपने जो भी खाद अब से पहले डाला है, यदि उस खाद में और इस खाद में आपको कम से कम 1 महीने का अंतर रखना चाहिए। स्प्रे से स्प्रे में भी कम से कम 1 महीने का अंतर रखें, क्योंकि लगातार यदि आप खाद या उर्वरक डालते रहेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान होते हैं और जमीन को, हमारी मिट्टी को उतना समय नहीं मिल पाता जितना समय गन्ने को उसे अपनी ताकत देने का मिलना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में लेने हैं। तो सबसे पहले जो किसान भाइयों आपको लेना है वो लेना है DAP। DAP मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, जो हमारा DAP खाद होता है, इस खाद का उपयोग आपको इस दलाल घोट के अंदर करना है। इसकी जो मात्रा किसान भाइयों आप लेंगे वो लेंगे 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 2.5 किलोग्राम से ज़्यादा मात्रा नहीं लेंगे, 2.5 किलोग्राम की मात्रा आप ले लीजिए। और इसे किसान भाइयों या तो मिट्टी का बर्तन होना चाहिए या फिर प्लास्टिक का बर्तन होना चाहिए, किसी भी तरह का धातु जो है उस बर्तन के अंदर आप इसका घोल तैयार नहीं करेंगे। तो 2.5 किलोग्राम DAP को किसान भाइयों सबसे पहले घोल करके आप जो है एक बर्तन के अंदर रख दीजिए और कम से कम 20 से 22 घंटे का समय आपको लगेगा इस घोल को तैयार होने में। जब ये घोल आपका बिल्कुल तैयार हो जाता है उस समय पर किसान भाइयों आपको जो है 2 स्प्रे यहाँ पर ओल लेने हैं। उन दोनों की मात्रा भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले लेना है किसान भाइयों आपको यूरिया, जो हमारा यूरिया खाद होता है जो 46% में आता है, इसकी मात्रा भी आपको 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका घोल भी आपको किसी प्लास्टिक के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में तैयार कर लेना है। और इसे भी किसान भाइयों आप जब बिल्कुल अच्छी तरीके से घोल लें, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, तो उसके बाद आपको लेनी है यहाँ पर जिंक। जिंक किसान भाइयों आपको 3 तरह की देखने को मिलेगी, 21% वाली जिंक भी आती है, 33% वाली भी आती है और 12% वाली भी आती है। जिंक आप इन तीनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों के अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, वो मैं आपको बता देता हूं। यदि हम 21% वाली जिंक लेते हैं तो उसकी मात्रा हमें लेनी पड़ेगी लगभग 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि 33% वाली जिंक लेते हैं तो इसकी मात्रा लेनी पड़ेगी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और यदि हम 12% वाली जिंक आती है तो 12% वाली जिंक हमारी चिलेटेड जिंक होती है, इसकी मात्रा किसान भाई आपको लेनी होगी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तीनों में से कोई सी भी एक जिंक का आपको उपयोग करना है, तीनों में से किसी भी एक को आप ले लीजिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको ध्यान में रखनी है, जो हमारी 21% वाली जिंक होगी और 33% वाली जिंक होगी, इनका जो कॉम्बिनेशन है, जब हम डीएपी
डीएपी के साथ और यूरिया के साथ इनका कॉम्बिनेशन तैयार करेंगे तो आपके पास मुश्किल से एक घंटे का समय होता है। एक घंटे के अंदर यदि आप स्प्रे कर लेते हैं तब तो ये घोल आपस में नहीं फटेगा, कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन यदि एक घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है तो किसान भाई ये जो घोल है ये फटना शुरू हो जाता है और फिर आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो आप 21 और 33% को ना लेकर के मेरे अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो हमारा चिलेटेड जिंक 12% में आती है इसकी 100 ग्राम की मात्रा आप ले लीजिए। ये जो घोल होगा ये घोल किसान भाइयों डीएपी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, डीएपी के साथ नहीं फटेगा। तो आपको जो है जो चिलेटेड जिंक लेनी है 12% वाली उसकी मात्रा लेनी है आपको 100 ग्राम। तो इस तरीके से आपके पास तीन खाद हो जाती है, डीएपी 2.5 किलोग्राम और यूरिया हमारा 2.5 किलोग्राम और चिलेटेड जिंक 100 ग्राम। इन तीनों को अलग अलग घोल बनाने के बाद जो भी आपका स्प्रेयर है चाहे वो ट्रैक्टर वाला हो या फिर आपका कंधे वाला हो, दोनों में से कोई सा भी है, यदि कंधे वाला है तो आप उसमें एक एक गिलास की मात्रा तीनों की डालिए और स्प्रे अपने गन्ने की फसल पे कर दीजिए। और यदि आपका बड़ा वाला है जो आपका ट्रैक्टर वाला होता है तो उसके अंदर लगभग आपको 200 लीटर पानी के अंदर इन सबको अच्छी तरीके से मिलाने के बाद इनका स्प्रे गन्ने की फसल पे करेंगे तो बेहतर और शानदार रिजल्ट इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। गन्ना आपका मोटा भी हो जाएगा, लंबा भी होगा और गन्ना आपका लास्ट तक हरा भरा बना रहेगा। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है कि ये जो आप स्प्रे करेंगे ये गन्ने के पत्तों के ऊपर आपको स्प्रे करना है, ना कि गन्ने पर। यदि गन्ने पर होता है नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करें यदि आप पत्तों को अच्छी तरीके से भिगो देंगे तो शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था किसान भाइयों दलाल घोल जो आपके गन्ने की फसल को बहुत कम खर्च में बहुत कम लागत में एक शानदार और अच्छी पैदावार निकाल करके दे सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो अच्छी ना लगी हो वीडियो को डिसलाइक करें और चैनल को अनसब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।